हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में डेज और थीम्स करने वाले हैं हम 2024 के जनवरी से लेकर मई तक के। स्टार्ट करते हैं जनवरी 2024 के कुछ डेज देखें। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्रेल डे एनुअली ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड ब्रेल डे को ऑब्जर्व किया जाता है 4 जनवरी के दिन। लुइस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल सिस्टम को इन्वेंट किया था, ऐसे लोग जो देख नहीं सकते उनके पढ़ने के तरीके को इन्वेंट किया था, इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है 4 जनवरी को, और इसी दिन ये वर्ल्ड ब्रेल डे को ऑब्जर्व किया जाता है। व्हेन इज प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस को। 9 जनवरी 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौट कर आए थे, और एक प्रवासी भारतीय के रूप में साउथ अफ्रीका में गए थे और फिर लौट कर आए, इसीलिए इस दिन को मनाते हैं। थीम इस बार की है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। व्हेन इज़ नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये 16 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 को, तो इसीलिए 16 जनवरी को स्टार्टअप डे के रूप में मनाते हैं। स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम है 2022 में पीएम मोदी के द्वारा अनाउंस की गई थी। पराक्रम दिवस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। 23 जनवरी को इनका बर्थ हुआ था। 2024 में 127th बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट की गई है, और इसी दिन को पराक्रम दिवस के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं। पहला पराक्रम दिवस 2021 में हमने मनाया था। व्हेन वाज वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड इन 2024। वर्ल्ड लेप्रोसी डे को 28 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। हर साल 28 जनवरी नहीं होता, बल्कि लास्ट संडे ऑफ जनवरी को ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है बीट लेप्रोसी। लेप्रोसी को हिंदी में कुष्ठ रोग भी कहते हैं। एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि बैक्टीरियम के कारण होती है। ये बैक्टीरियम का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है इस बार की इन सर्विस ऑफ द नेशन। इंडियन आर्मी को ब्रिटिश रूल के तहत 1 अप्रैल 1895 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1 अप्रैल, लेकिन हम 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं ये, क्योंकि 15 जनवरी 1949 पहली बार ऐसा हुआ जब कोई इंडियन फोर्सेस के हेड बने थे। ये कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा। ठीक है, इसीलिए इस दिन को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे के रूप में। इंडियन एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर को। इंडियन नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। थीम इस बार की है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इलेक्शन कमीशन की स्थापना हुई थी 25 जनवरी के दिन 1950 में, इसीलिए ये दिन लिया गया नेशनल वोटर्स डे के रूप में। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 के तहत इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। कंपोजिशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन में 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इन तीनों का अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और इनका टेन्योर होता है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। व्हेन इज़ नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को 12 जनवरी को मनाते हैं हर साल। ये 12 जनवरी बर्थ एनिवर्सरी होती है स्वामी विवेकानंद जी की। थीम इस बार की है विकसित भारत एट 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। स्वामी विवेकानंद इंडियन फिलोसोफर थे। इन्होंने हिंदुइज्म को पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन्स शिकागो में जो हुई थी 1893, यहाँ पर हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट फरवरी 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखिए। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को फरवरी के 2nd मंडे को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे को। थीम है इस बार की माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी। एपिलेप्सी एक तरह का डिसऑर्डर है इन विच नर्व सेल एक्टिविटी इन द ब्रेन इज डिस्टर्ब्ड, और इस वजह से इंसान को भूलने की बीमारी होने लग जाती है। व्हेन इज़ वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसको 2 फरवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। 2 फरवरी 1971 रामसर कन्वेंशन पर साइन किए गए थे, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसीलिए 2 फरवरी का दिन लिया गया वर्ल्ड वेटलैंड्स डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए। थीम है इस बार की वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। व्हेन इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसे हर साल 28 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं। 28 फरवरी ही क्यों, क्योंकि 28 फरवरी 1928 सर सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की जो डिस्कवरी की गई थी उसे उन्होंने पब्लिश किया था। ठीक है, सर सीवी रमन इंडियन साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज भी इनको मिल चुका है अपनी इसी रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के लिए 1930 में, और 1954 में भारत रत्न इन्हें दिया गया था।
नेशनल साइंस डे की थीम रखी गई है इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। वेन इज़ नेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इसको 13 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी होती है। सरोजनी नायडू इंडियन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी, पहली महिला प्रेसिडेंट थी INC की। 1925 में कानपुर सेशन जो हुआ था उसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से भी जानते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा इन्हें इनाम दिए गए थे। फिर देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड डे होता है 1 फरवरी को। वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को। थीम है क्लोज द केयर गैप। वर्ल्ड पल्सेस डे होता है 10 फरवरी को। इसकी थीम है पल्सेस, नरिशिंग सॉइल्स एंड पीपल। वर्ल्ड यूनानी डे होता है 11 फरवरी को और ये बर्थ एनिवर्सरी होती है हकीम अजमल खान की। फिर है वर्ल्ड पेंगुलिन डे 17 फरवरी को। पेंगुलिन वर्ल्ड का मोस्ट ट्रैफिक्ड एनिमल है, रीसेंट रिपोर्ट में ये बताया गया था। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस होता है 20 फरवरी को। इसकी थीम है ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे होता है 21 फरवरी को। मार्च 2024 पर आते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? शहीद दिवस को हर साल 23 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है टू रिमेंबर द सेक्रीफाइस ऑफ ब्रेव फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। अंग्रेजों के द्वारा 23 मार्च के दिन ही 1931 में इन्हें फांसी दी गई थी लाहौर जेल में फॉर लाहौर कॉन्स्पिरेसी। फिर हमारे यहाँ एक और शहीद दिवस होता है 30 जनवरी को भी, ये महात्मा गांधी की डेथ एनिवर्सरी है। When is World Tuberculosis Day observed? World TB Day को ऑब्जर्व किया जाता है 24 मार्च को। इसकी थीम क्या है इस बार की? Yes, we can end TB. 24 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 मार्च को 1882 में रॉबर्ट कोच के द्वारा TB को कॉज करने वाले बैक्टीरियम की डिस्कवरी की गई थी। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस की बात करें, बैक्टीरियल डिजीज़ है, मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है और भारत का एम है TB को ख़त्म करना 2025 तक का। WHO का एम TB को एंड करने का है 2030 तक का। When is World Wildlife Day celebrated every year? इस दिन को हर साल 3 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। थीम है कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। When is बिहार दिवस सेलिब्रेटेड? इसे 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि 22 मार्च 1912 में बिहार को बंगाल प्रोविंस से अलग किया गया था, सेपरेट किया गया था। फिर आगे देखते हैं कि ओडिशा से सेपरेट किया गया 1936 में और झारखंड को बिहार से सेपरेट किया गया 15 नवंबर 2000 में। When is World Meteorological Day celebrated? इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं 23 मार्च को। थीम है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। When is World Water Day celebrated every year? इसका आंसर होगा 22 मार्च। थीम है वाटर फॉर पीस। When is International Women's Day celebrated every year? 8 मार्च इसका आंसर है, सबको पता होना चाहिए। इसको सेलिब्रेट किया जाता है टू रेज अवेयरनेस अबाउट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट। थीम है इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। फिर नेक्स्ट है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च को होता है। थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को, नेशनल वैक्सीनेशन डे 16 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। फिर है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 1 मार्च, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च। इसकी थीम है टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स। देख लिया हमने। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को, थीम है सेफ्टी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अप्रैल 2024 पर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल पंचायती राज डे सेलिब्रेटेड? नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है सस्टेनेबल पंचायत, बिल्डिंग हेल्दी वाटर सफिशियंट क्लीन एंड ग्रीन विलेजेस। पंचायती राज संविधान में आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक मेंशन किए गए हैं और ये स्टार्टिंग से संविधान का पार्ट नहीं थे, स्टार्टिंग से संविधान का पार्ट थे लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट थी पंचायत। अब अमेंडमेंट के जरिए 73rd अमेंडमेंट हुआ था संविधान में 1992 में, जिसके जरिए इसे इसके लिए प्रॉपर एक चैप्टर डेडिकेट किया गया, पार्ट 9 ऐड किया गया जिसका टाइटल रखा गया द पंचायत। इस एक्ट के जरिए 11th शेड्यूल ऐड किया गया संविधान में आर्टिकल 243G के तहत, जिसमें पंचायत से रिलेटेड 29 मैटर्स शामिल किए गए, सब्जेक्ट्स दिए गए हैं बेसिकली जिन पर पंचायत काम कर सकती है। पंचायती राज सिस्टम का जब हम नाम लेते हैं तो दो कमिटीज इंपॉर्टेंट है, बलवंत राय मेहता कमेटी और अशोक मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3-tier पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था और इसी को लागू करते हुए संविधान में 3-tier पंचायती राज सिस्टम का प्रावधान किया गया है। 3-tier हैं, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति
और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। अशोक मेहता कमेटी ने टू टियर पंचायती राज सिस्टम सजेस्ट किया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद और बिलो इससे नीचे मंडल पंचायत थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कुछ कुछ जगहों पर यह टू टियर पंचायती राज सिस्टम को भी इस्टेब्लिश किया गया है। जहाँ पर जनसंख्या 20 लाख से कम है वहाँ पर ग्राम पंचायत को स्किप कर दिया गया है। अब पहली पंचायत जो गठित हुई थी वो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में गठित की गई थी। व्हेन इज वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेटेड, इसे 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। मलेरिया प्लाज्मोडियम पैरासाइट की वजह से होता है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट के कारण ये पैरासाइट आता है किसी व्यक्ति के शरीर में, जिसके कारण मलेरिया होता है। इंडिया मलेरिया को एलिमिनेट करने का एम रखता है 2030 तक का। व्हेन इज अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इसे 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 133rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है रिसेंटली। 14 अप्रैल 1891 में मऊ एमबी मेन का जन्म हुआ था। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इनको जानते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे संविधान के। 1990 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। इनकी बुक थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ऑरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन विच लेड टू क्रिएशन ऑफ RBI। व्हेन इज सिविल सर्विस डे सेलिब्रेटेड, इसको सेलिब्रेट करते हैं 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल 1947 में इंडिया के पहले होम मिनिस्टर जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके द्वारा न्यूली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर्स को एड्रेस किया गया था इस दिन। इसी वजह से 2006 से हम सिविल सर्विसेज डे को 21 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। व्हेन इज वर्ल्ड पार्किंसंस डे सेलिब्रेटेड, वर्ल्ड पार्किंसंस डे को 11 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। पार्किंसंस डिजीज जो है नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जिसके जरिए ह्यूमन बॉडी की मूवमेंट अफेक्ट होती है। व्हेन इज नेशनल मैरिटाइम डे सेलिब्रेटेड, इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को 1919 में इंडिया का पहला मर्चेंट वेसल जिसका नाम है SS लॉयल्टी, इसने अपनी जर्नी मुंबई से लंदन के लिए शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2024, इसकी थीम है ह्यूमनली पॉसिबल। 24 से 30 अप्रैल तक वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक को सेलिब्रेट किया गया। थीम रखी गई ह्यूमनली पॉसिबल, सेविंग लाइव्स थ्रू इम्यूनाइजेशन। व्हेन इज इंटरनेशनल माइनिंग अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड, इसको 4 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। उत्कल डे इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, इसे ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। उत्कल दिवस या ओडिशा डे को 1 अप्रैल 1936 ओडिशा बिहार से सेपरेट किया गया था और एक सेपरेट प्रोविंस बनाया गया था। फिर आता है इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस, 4 अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल, थीम है माई हेल्थ माई राइट्स। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को, इसकी थीम है होम्यो परिवार वन हेल्थ वन फैमिली। अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को, इसकी थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को, ये लियोनार्डो द विंची की बर्थ एनिवर्सरी होती है। सेव द एलिफेंट डे 16 अप्रैल, वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल, वर्ल्ड लिवर डे 19 अप्रैल। लिवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे शरीर का, इसकी थीम रखी गई इस दिन की कीप योर लिवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। इंटरनेशनल डांस डे होता है 29 अप्रैल को। लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हेन इज नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, 15 जनवरी, 16 जनवरी, 17 जनवरी या फिर 18 जनवरी। आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।